For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Any party in the Mumbai now? No. यही party है. Yeah. अब media वालों के साथ. This is my party. कुछ कहना चाहेंगे आप मतलब any announcement? चलो ना. Any party in the Mumbai now? No. यही पार्टी है या अब मीडिया वालों के साथ. दिस इज माय पार्टी. कुछ कहना चाहेंगे आप मतलब एनी अनाउंसमेंट? चलो ना. कहाँ पहन सकते हैं ये कपड़ा? लाइक वेयर वुड यू लाइक टू वेयर दिस? वेल ऑब्वियसली हर कलेक्शन, द होल कलेक्शन इज ब्राइडल एंड आई थिंक यू हैव द ट्रेडिशनल ब्राइड जो गोल्ड रेड पहनते हैं विच इज़ अ टिपिकल ट्रेडिशनल कलर्स एंड देन यू हैव द मॉडर्न ब्राइड जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कलर्स के साथ, टेक्सचर्स के साथ, कट्स के साथ. सो आई थिंक और आज के जो लड़कियाँ काफ़ी एक्सपेरिमेंटल है, दे वॉन्ट टू ट्राई, दे वॉन्ट टू वेयर समथिंग डिफरेंट, दे वॉन्ट टू वेयर समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग. सो आई थिंक इट्स परफेक्ट. थैंक यू पार्टी इन द मुंबई नाउ? यही पार्टी है या अब मीडिया वालों के साथ. दिस इज माय पार्टी. कुछ कहना चाहेंगे आप मतलब एनी अनाउंसमेंट? चलो ना. दिवाली के कुछ स्पेसिफिक दिवाली की एक विश आपकी तरफ से क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होती है दिवाली को लेकर? दिवाली आई थिंक सबके लिए बहुत ही स्पेशल रहता है. फॉर मी इट स्टार्ट्स माय बर्थडे, दिवाली, क्रिसमस एक के बाद एक. सो आई थिंक दिस टाइम ऑफ द ईयर इज़ ऑलवेज वेरी स्पेशल. दिवाली तो सबको बहुत पसंद है एंड आई विश एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी दीपावली एंड अ वेरी सेफ नॉइजलेस दिवाली. आखिरी सवाल ये अरबाजी, क्योंकि मुझे पता नहीं आप सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव रहते हैं, क्योंकि इन दिनों जो पिक्चर आती है आपकी एंड जॉर्जिया जी की, ढेरों सारे अटकलें लगाई जाती हैं. कोई कहता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हैं, कोई कहता है कि इतने अच्छे कपल हैं, इनकी जल्दी शादी भी होनी चाहिए. क्योंकि आप हमारे सामने हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप इन सारी चीज़ों जो सोशल मीडिया पर ढेरों सारी बातें होती हैं. तो बातें होती हैं तो बातें होने दो, उससे क्या होता है. उनके कहने या ना कहने से थोड़ी कोई शादी नहीं होगी या होगी. जब जो चीज़ होनी है होगी. इस वक्त जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है वो मुझे ही पता है क्या हो रहा है. और जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर देनी है, चाहे वो जो कुछ भी हो, चाहे वो शादी भी हो, वो जब मैं सही समझूंगा तब मैं बोलूँगा. दुनिया को इस किस्म की चीज़ों के ऊपर स्पेकुलेट करना कि अभी इनका रोमांस चल रहा है या इनकी शादी होने वाली है, ये कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन इनको रिलायबल सोर्स देता है, कौन सा किसने, ना किसी घर वाले ने बोला है, ना मैंने बोला है, ना जो कंसर्न पार्टी है उसने बोला है. पर ठीक है, लोगों को दो लोग एक साथ देख के जो उनको मर्जी है कहना है वो कह सकते हैं. यहाँ पर किसी को रोक ही नहीं है किसी चीज़ के ऊपर. जो आपको प्रिज्यूम करना है वो आप करते हो. हम लोगों ने डिसाइड, ऑब्वियसली यू गेटिंग, अभी मुझे खुद को 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मुझे पता है किन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए और किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए. मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, पर्सनल ज़िंदगी जीता हूँ. मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो मुझे पता है, और जब मुझे दुनिया को बताना होगा तो मैं अपने आप बता दूंगा. आराम से रिलैक्स करो, कुछ इसमें सोच, डोंट गेट एक्साइटेड ओवर एंड प्रिज्यूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा. जब सही चीज़ जब होगी तब होगी, हम बता देंगे. Karan Johar's chat show Coffee with Karan is indeed amazing, and everyone is eager to see how he manages to dig out the secrets of all his celebrity guests. This season, Karan is hell-bent on stirring up a lot of controversies on the coffee couch as he chooses some of the most surprising combinations as guests. Recently, Kejo had invited the Khiladi of Bollywood Akshay Kumar as a guest to his show, and here the two had a heart-to-heart chat on a lot of topics. And then during a rapid fire round, when Aki was asked to choose between Shah Rukh, Aamir and Salman about the most admirable star, the Padman star immediately replied, Salman. Now this came as a real surprise, as we all know that since the last couple of months, things have not been quite cordial between the two. And Salman, who was initially going to co-produce Akshay Kumar's upcoming film Kesari, backed out of the project. And now the film is being made under the banner of Karan Johar's Dharma Productions. And so when we heard of Akshay Kumar's choice, we couldn't help but raise our eyebrows in surprise. Like all the previous seasons, this time too Bigg Boss 12 has become a lucrative platform for various celebrities to promote their films.
And here, we have seen many amazing stars like Varun Dhawan, Tapu, Ayushman Khurrana, Govinda and Kajol gracing the show. We now hear that the stars of Thugs of Hindustan 2 will be using this platform to promote their film. Yes, now this news does come as a shock as Mr. Perfectionist Aamir Khan never ever promotes his film on any reality show. But thinking of this, he did make an exception as he graced Big B Amitabh Bachchan's game show Kaun Banega Crorepati. And so we wonder if he will make an appearance on Big Boss 12 too. Well, so while we wait for an official confirmation from the team, we're all hoping that we do get to see the two Khans get together on the Weekend Ka Vaar episode of the show. Now, wouldn't that be really great? अरे बार बार भाई ए भाई ए भाई इधर आओ यार सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई भाई आगे सलमान भाई यहां पे सलमान भाई सामने भाई अमन सर सलमान सर मैम भैया चलो 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 भैया चलो चलो अरे बार बार भाई ए भाई ए भाई इधर आओ यार सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई 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 ऑटो ऑटो भाई आगे सलमान भाई यहां पे सलमान भाई सलमान भाई सामने भाई अमन सर सलमान सर थैंक यू Ever since the shooting of Race 3 had wrapped up, there were speculations that Salman Khan would begin shooting for the trequel of Dabang. But no such thing happened and Salman already started to work on his upcoming film Bharat. Now this film too will be soon wrapped up and still there was no update on Dabang 3. This made many people feel that Salman had decided not to go ahead with the third installment of this successful Dabang franchise. But now Arbaaz Khan has revealed that the reason to put Dabang 3 on the back burner was that Salman felt it was better to focus on one film at a time. And so he chose to work on Bharat before moving on to Dabang. Arbaaz also revealed that most of the cast and crew had already been finalized and the film would definitely go on floors early next year. Now this comes as a great news for all Salman fans and we will keep bringing more such interesting updates for all the Dabang lovers out there. So till then, keep sharing your comments with us in the section below. Everyone knows Aamir Khan to be a perfectionist who puts in a lot of effort for his films. And so we were all quite surprised when Aamir once claimed that he does not have the kind of stardom as Salman Khan. On being quizzed about this, he said, "Salman is very kind, generous and loving. To give a big hit, I need a great script and a great director. Salman does not need that. He just shakes his bells, puts his goggles behind his shirt, so I don't have that kind of stardom." Now this was quite a surprising thing to say. But then we do believe that it is indeed true. On the work front, Aamir Khan is now busy promoting his soon-to-be-released film Thugs of Hindustan, while Salman is busy shooting for his upcoming film Bharat. Both the themes are based on the independence era, so we wonder if fans would once more compare the two. What do you think? Do let us know by commenting in the section below. Salman Khan and filmmaker Ali Abbas Zafar are really good friends and the two have always worked in tandem with each other. But this time, there seems to be a difference of opinion between the two regarding the length of their upcoming film Bharat. Yes, we all know that the film will have Salman Khan playing a multiple age character and in the process of doing justice to each age and phase, the length of the film has already exceeded 3 hours. This has made Salman quite worried as he feels that the ideal length of the film should not be more than 2 hours 45 minutes.
But Ali is not ready to compromise on the storyline just to reduce the length of the film. And so, this tussle continues. Now we wonder if Salman will accept Ali's viewpoint this time, or will he once more interfere with the production and reduce the length of the film? Only time will tell. So while we bring more updates on this hot story, feel free to share your comments with us in the section below.